Hey everybody, welcome back to the channel. This is me, Rajveer Sisodia, and guys, आज हम करने वाले हैं day 30. Chest and triceps किए थे, back and biceps किए थे. Then किए हमने abs, shoulder का दिन मैंने अलग से रखा क्योंकि shoulder train करने हैं भाई बहुत अच्छे से 3D shoulder करने हैं. अभी तो खैर एक महीना हुआ है, उतने ज़्यादा नहीं है. Third month में दिखाएंगे 3D shoulder क्या होते हैं. तो shoulders को बहुत अच्छे से train करना है. उससे पहले हम करेंगे shoulders के लिए stretching form करनी है हमारे shoulders को stretch करने के लिए. First इस तरह से करेंगे हमारे shoulders को पूरा अच्छी तरह से स्ट्रेच करेंगे ताकि ब्लड फ्लो अच्छा हो जाए. और हैवी वेट लिफ्ट करने के लिए, हैवी तो नहीं, हैवी हम कर ही कहाँ रहे हैं, लेकिन वेट लिफ्ट करने के लिए हमारे जो शोल्डर्स हैं वो रेडी हो जाए, इंजरी से बचे रहे. फर्स्ट देन सेकंड लाइक दिस, 1 2. आप करके देखिएगा जिन लोगों के शोल्डर्स में पेन होता है बंद हो जाएगा. 3 4 5 6 7. देन इनको ऐसे जोड़ना एंड लाइक दिस 3 से 4 सेट कर लें, उसके बाद ही शोल्डर करें ताकि कोई इंजरी ना हो. ये हो गया हमारा स्ट्रेचिंग वार्म अप. आप चलेंगे हमारे वर्कआउट की तरफ. सुपर सेट वर्कआउट करना है शोल्डर का भी, लेट्स गो. तो भाई शुरू करेंगे हमारे फर्स्ट वर्कआउट के साथ. फर्स्ट वर्कआउट में हमने क्या करना है, डंबल प्रेस करना है. कैसे करेंगे, सुपर सेट करना है, उसके साथ हमें करना है साइड लेटरल रेज. तो मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है. ये हमने डंबल उठाने एंड देन लाइक दिस, 1 पूरा ऊपर जाना है टच कराने, 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 15 से 20 हो गया हमारी रेफरेंस. इसके इमीजिएटली बाद हमने करना है हमारे साइड लेटरल रेज इस तरह, 1 2 3 4 5 6 7 8. 15 से 20 रेप करना है. देन 40 से 50 सेकंड का रेस्ट लेना है, 40 से 50 सेकंड का. तो ये हो गया हमारा एक सेट. 40 से 50 सेकंड का रेस्ट लेके दोबारा कंटिन्यू करेंगे हमारा सेकंड के सेट के लिए. पहला मैं इसलिए करके दिखाता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए. आप सपोज करो हमने 50 सेकंड का रेस्ट ले लिया, अब उसके बाद दूसरा सेट हम फिर से शुरू कर रहे हैं. 15 से 20 रेप करेंगे लाइक दिस, 1 2 3 4 5 6 7 8. 15 से 18 पूरे नहीं कर रहा हूँ ताकि वीडियो लंबा ना हो. देन इमीडिएटली हमारे साइड लेटरल रेज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो ये होगी हमारी साइड लेटरल रेज की पोजीशन. मैं बहुत लोगों की देखता हूँ गलत करते हैं, तो मैं आपको लाइट वेट से समझाता हूँ. आधे लोगों को लगता है कि ये हमारे हाथ कैसे जाएंगे, उनको समझ में नहीं आता. वो क्या करते हैं, अपने हाथ से अपनी कलाई से वेट ऊपर लेके जाते हैं. लेकिन हमारी जो पोजीशन है ना वो क्या है, वो ये है. हमें ये जो हमारे डेल्ट, इनसे वेट को लिफ्ट करना, डेल्ट से वेट को लिफ्ट करना. तो जो पोजीशन है वो ये है, ये है, ये है. और हाथ हम हल्के से सीधे कर देंगे तो हमारी डेल्ट से हम वेट को ऊपर लेके जा रहे हैं, डेल्ट से वेट को ऊपर लेके जा रहे हैं. इस तरह से हमारे हो जाएंगे. 4 सेट करेंगे, 1 2, देन 40 से 50 सेकंड रेस्ट, देन 1 2, देन 40 से 50 सेकंड रेस्ट. इस तरह से 4 सेट करेंगे, चलेंगे हमारे नेक्स्ट वर्कआउट की तरफ, लेट्स गो. सो गाइस सेकंड जो वर्कआउट है वो हम कर रहे हैं शोल्डर अपराइट रोइंग, उसके साथ फ्रंट लेटरल रेज. फ्रंट लेटरल रेज थोड़े नए तरीके से करेंगे, वो बताऊंगा कैसे. शोल्डर अपराइट रोइंग में पोजीशन गलत नहीं करनी है. आप क्या करते हो, इसको ऐसे उठाते हो, ये हमारे फोर आर्म पे आ रहा है, शोल्डर्स पे आ ही नहीं रहा है. तो हमने क्या करना है, हमारी ग्रिप रखनी है एंड देन अपनी एल्बोज को ऊपर लेके जाना है. दोनों एल्बोज ऊपर लेके जाएंगे, ये जो हमारी एल्बो है ये कान के पास आएगी, ये जो एल्बो है कान के पास आ जाएगी, तो ऑटोमेटिकली आपकी पोजीशन ठीक हो जाएगी. तो मेक श्योर हैवी लिफ्ट के चक्कर में मत पड़ना, पहले पोजीशन ठीक करना, फॉर्म ठीक करना. तो जब हम ये उठाएंगे तो हमारी जो दोनों एल्बोज हैं वो कान के पास आनी चाहिए. तो करेंगे हमारे फर्स्ट सेट के लिए वर्कआउट. ये हमने उठाया और ये मेरी एल्बोज ऊपर आ गई, 1 2 3 4 5 6 7 8. रैप रेंज आपकी होगी 15 से 18. इसके साथ सुपर सेट करना है बिना रुके हमारा फ्रंट लेटरल रेज.
फ्रंट लेटरल रेज कैसे करेंगे, एक हाथ में 5 का डंबल है, एक में 10 का है, आप 2.5 का और 7.5 का रखना। ये हाथ हमारा सीधा रहेगा और इससे हमें 15 से 18 रेप करने हैं। 1, 2, 3 ये होल्ड रहेगा, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरह से। देन इस हाथ में इसको होल्ड रखना है और 15 से 18 रेप उल्टे हाथ से करने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरह से 15 से 18 रेप करने हैं। देन दोबारा से अपराइट रोइंग, देन दोबारा से फ्रंट लेटरल रेस, देन दोबारा से अपराइट रोइंग, देन दोबारा से फ्रंट लेटरल रेस। इस तरह से 4 सेट करने हैं। रैप रेंज 15 से 18 होगी। तो चलेंगे हमारे नेक्स्ट वर्कआउट की तरफ, लेट्स गो। सो गाइस थर्ड वर्कआउट करेंगे, मतलब कि 5वीं एक्सरसाइज करेंगे हमारे शोल्डर्स के लिए, रियर डेल्ट के लिए, रियर डेल्ट फ्लाई विद डंबल्स। क्या करना है, लोअर बैक हमारी स्ट्रेट रहेगी, ये डंबल हमारे नीचे आएंगे, पीछे नहीं फेस के आगे आएंगे, एंड देन इनसे हमें दोनों हाथ बिल्कुल स्ट्रेट रखने हैं, ऐसे जाना है। तो हमारे जो रियर डेल्ट है इनके ऊपर पूरा इम्पैक्ट आना चाहिए। तो हम शुरू करेंगे लाइक दिस, 1, 2 ऊपर जाके कोशिश करनी है होल्ड करने की, होल्ड होगा नहीं लेकिन कोशिश करनी है जिससे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन हो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 15 से 18 आपकी रैप रेंज है, मैं पूरे नहीं करता हूँ क्योंकि वीडियो लंबा होता है। देन उसके बाद करेंगे हम फेस पुल, फेस के सामने पुली लगानी है जितनी भी आपकी हाइट है, और इस तरह से इसको खींचना है लाइक दिस हमारे रियर डेल्ट्स के लिए। 1, 2 होल्ड करना, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 देन डंबल से रियर डेल्ट फ्लाई, देन फेस पुल, 40 से 50 सेकंड का रेस्ट, देन 1, देन 2 देन रेस्ट, देन 1, देन 2 देन रेस्ट। 4-4 सेट करेंगे, 6 साइज हो गए हैं। चलेंगे हमारे शोल्डर श्रग्स की तरफ, लेट्स गो। सो गाइस अब करेंगे हमारे शोल्डर श्रग्स, डंबल थोड़े हैवी रखने हैं, सुपर सेट नहीं है इसके साथ। 4 सेट अपना टाइम देके करना है, हैवी रखना है जितना आप हैवी जा सकते हो, ठीक है, क्योंकि इसमें इंजरी के भी कम चांसेस होते हैं। तो इसमें जितना हैवी आपको जाना जा सकते हैं, और रैप रेंज जो होगी वो आपकी इसमें 10 से 15 होगी। हैवी जाना है, डंबल हैवी लेने, या आप रॉड के साथ भी कर सकते हो। डंबल जब आप लोगे तो डंबल साइड में नहीं, ऐसे रहेंगे, एंड देन गर्दन आपकी नीचे रहेगी, और ये जो आपके ट्रैप्स हैं इनको आप ऊपर जाके स्क्वीज कराओगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरह से हो जाएगा आपका वर्कआउट। तो ये हो गया हमारा शोल्डर वर्कआउट, अब अभी ख़त्म नहीं हुआ है। अब इसके बाद हमने करना है 200 रैप साइड लेटरल रेज, चाहे आप 6 सेट में मारो, चाहे 10 में मारो, 10-10 के 20 सेट मार दो, या 20-20 के 10 सेट मार दो, या 30-30 के आप 6 सेट मार दो, हल्के वेट से फिनिशर इसको बोलते हैं, कि जब हम अपने घर जाएं तो हमारे शोल्डर उठ ही ना पाएँ। बहुत धांधू शोल्डर निकल के आने वाले हैं अब से 3 महीने बाद, तो 7.5 किलो का डंबल लेना है, हल्के वेट से जाना, 5 भी ले सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रैप 200 मारने। आधे पूछते हैं भैया एक ही सेट में 200 कैसे मार लोगे, कोई बाहुबली हो गया, रुक रुक के 20-20 रैप, 30 रैप, 40 रैप देन रख दो, देन 20 रैप, 30 रैप, इस तरह से आपने 200 रैप करने लाइट वेट के साथ। आपके जब आप देखेंगे शोल्डर ख़त्म होंगे, मज़ा आ जाएगा, और जो शोल्डर निकल के आएंगे ना आप बोलोगे भैया थैंक यू सो मच, क्या शोल्डर बनवाए हमारे, ठीक है। तो इस तरह से 200 रैप करने के बाद आप देखोगे कुछ अलग ही मज़ा आने वाला है क्या। तो ये था हमारा डे 34 का वर्कआउट, शोल्डर वर्कआउट को मैं अलग से प्रायोरिटी देता हूँ, क्योंकि थोड़ी बड़ी मसाला है पीछे, ट्रैप्स भी, रियर डेल्ट भी, साइड डेल्ट भी, फ्रंट डेल्ट भी, तो इसलिए मैं थोड़ा इसको प्रायोरिटी देता हूँ। और दूसरी चीज़, मैनली लुक भी हमारी बॉडी को शोल्डर से देते हैं। तो ये हो गया हमारा वर्कआउट 34 का, कल मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, कल का वर्कआउट कल ही बताऊंगा क्या है। तो कल मिलते हैं, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टिल देन मत पड़ो चक्कर में, कोई भी ना हो टक्कर में, मैं अपने 200 रैप कंप्लीट कर रहा हूँ, बाय।